हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट प्रो। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलीनोमियल्स। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है और उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, आपने 9th क्लास में करा था। लेकिन इस बार आपको कितने टाइप्स के पॉलीनोमियल होते हैं ये भी सीखना होगा और हर एक के जीरोस निकालने सीखना होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है व्हाट इज पॉलीनोमियल। देखो, पॉलीनोमियल बना है एक वर्ड से, पॉलीनोमियल एक वर्ड है बेसिकली जो दो वर्ड से बना है, पॉली एंड नॉमियल। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड नॉमियल्स मतलब टर्म्स या पार्ट्स। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कुछ टर्म्स जो कुछ पार्ट्स के अंदर हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे और एज ए होल इसे क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर पावर फ्रैक्शन के अंदर है, फॉर एग्जांपल 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम पॉलीनोमियल बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। तो किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पर टर्म्स आपकी फ्रैक्शन की पावर की फॉर्म में, उसे हम पॉलीनोमियल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है आपको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स आर देयर। तो देखो बच्चों, अगर पॉलीनोमियल की डिग्री, अगर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आपकी वन है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलीनोमियल की डिग्री आपकी वन है, उसे बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, उसे बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1, यहाँ पर देखो x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर पॉलीनोमियल। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक के अंदर जो डिग्री होती है वो 2 होती है। देखो कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके बाद अगर डिग्री हो जाए 3, अगर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल अगर 3 हो जाए, तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे कि पी एक्स आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² + x+1, ये किसका एग्जांपल है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का एग्जांपल है। इसके बाद सीखेंगे हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग जीरोज निकालना लीनियर पॉलीनोमियल से। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल वन लेता हूँ आपका, एग्जांपल नंबर 1 3x-1। पी एक्स आपका क्या है, 3x-1, इसके जीरोज कैसे निकालेंगे। देखो, जीरोज निकालने के लिए पूरे पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x आपका हो जाएगा 1/3। तो 1/3 क्या है, 1/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, जैसे ही 1/3 पुट करोगे पी एक्स के अंदर, पी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो। इसके लिए हम इसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स मान लो आपका है x² - 8x+12। अब यहाँ पर क्या होगा, x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको पुट करने से पी एक्स आपका जीरो के इक्वल बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहले आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखो, मैं फैक्टराइज करता हूँ x² - दो नंबर ऐसे कौन कौन से हैं जिनको ऐड करने से आपका -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। वो नंबर कौन कौन से, -6 और -2 हैं। तो x² - 6x - 2x+12 कर दोगे, यहाँ से आप फैक्टर बनाओगे इसको, x कॉमन ले लो, x - 6, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, x - 6 एक बार लिखेंगे और x - 2 बचा है तो वो लिख देंगे। अब देखो, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करूँ,
x माइनस सिक्स को जीरो के इक्वल करूं और x माइनस टू को भी जीरो के इक्वल करूं, तो x मेरा सिक्स आ जाएगा और x मेरा टू आ जाएगा। इसका मतलब x सिक्स और x इक्वल टू टू आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी थ्री होगी। ठीक है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर आपकी थ्री होगी। जैसे px आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम जीरोस निकालना शुरू कर देंगे। तो बेटा ये हम करेंगे नेक्स्ट जो आने वाले एक्सरसाइजेस के अंदर करेंगे। फिलहाल सीखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ इसके जीरोस को किस तरह से हम देखें। ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मेरा एक फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, सिर्फ इतना सा दिखा है एक्स माइनस टू। इसको ग्राफ पर किस तरह से एक्सप्रेस करें और वहां से जीरोस किस तरह लेके आए, ध्यान से देखना। देखो पी एक्स आपका एक्स माइनस टू है, तो आप बना दो ग्राफ, जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस बोल दो, आपको पता ही है वाई एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, जो राइट साइड पर उसको लिखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद पी एक्स को वाई एज्यूम कर लो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसके बाद एक्स की हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम वन टू थ्री ऐसे को वैल्यूज ले सकते हैं। मान लो मैं एक्स को लेता हूँ, ये x है ये y है, x आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। x को 1 पुट करते ही y आपका माइनस 1 बन जाएगा, x को 2 पुट करते से y आपका क्या बन जाएगा 0, और x को 3 पुट करने से y आपका 1 बन जाएगा। इन पॉइंट्स को ग्राफ पर पुट करेंगे, तो पहला पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 1, 1 माइनस 1 कुछ यहाँ पर आएगा, फिर 2 0, 1 2 और फिर 0 यहाँ पर आएगा, एंड 3 1, 1 2 3 और 1 आपका यहाँ पर कहीं आएगा। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर है तो उनको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया, तो y इक्वल टू x माइनस टू के ग्राफ के अंदर अब देखो ये जो लाइन है x एक्सिस को इस जगह पर काटती है, और ये पॉइंट क्या है 2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो ग्राफ बनाते हो वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। देखो यहाँ पर इस लाइन ने एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया ना, एक प्लेस पर, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ओनली 1 होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, देखो पी एक्स आपका है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। ठीक है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसे बनेगा। वाई इज इक्वल टू एस एज्यूम कर लो, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। हम यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज डालेंगे एक्स की, इससे हमें डिफरेंट वाई की वैल्यूज मिलने वाली हैं। एक्स वाई, पहले एक्स हम वन रखते हैं, टू भी रख सकते हो मर्जी है, कम से कम तीन वैल्यूज रखनी चाहिए, चार रख सकते हो मर्जी है। तो पहले टू रखा मैंने, एक्स को टू पुट करने से वाई देखते हैं क्या बनेगा, तो फोर माइनस फोर्टीन प्लस टेन। ठीक है, कितना आ गया, ये जीरो आ रहा है, टू पुट करने से जीरो आ रहा है। अब एक्स को पुट करेंगे, पहले एक्स को हमने टू पुट किया ना, अब एक्स को थ्री पुट कर लेते हैं, तो थ्री पुट करने से देखते हैं क्या बनेगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन प्लस टेन, तो ये हो गया बच्चों 19 माइनस 21, तो माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो 3 पुट करने से कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। ऐसे ही मान लो x को मैं 0 पुट कर लूँ, या फिर और कुछ पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर लो, नो प्रॉब्लम, x को 4 पुट कर सकते हो आप 7 पुट कर सकते हो, मर्जी है क्या पुट करें, चलो 5 पुट कर लेते हैं इस बार, है ना। तो x को 5 पुट करने से देखते हैं y क्या बनेगा, 5 5 से 25, 5 7 से 35 प्लस 10, तो 25 प्लस 10 35, 35 माइनस 35 0, तो एक काम का पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, एक और ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, x को मान लो हम 1 ले लेते हैं, x को 1 लेने से y क्या बनेगा, y बन जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 10, तो हो गया ये 4, है ना, 4 हो गया y, x 1 है तो y 4 है। अब देखते हैं ग्राफ पर किस इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाए। देखो ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 2,0, 2,0 1 2 2,0 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद 3, माइनस 2,
वन टू थ्री माइनस टू, माइनस टू यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, ये आपका थ्री कॉमा माइनस टू है। फिर है फाइव कॉमा ज़ीरो, तो थ्री फोर फाइव, फाइव कॉमा ज़ीरो यहाँ पर आएगा। इसके बाद वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर कहीं ऊपर आएगा, है ना। तो अब देखोगे ये पॉइंट्स इस तरह से सिचुएट हो रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे ध्यान से देखो, एक यू शेप ग्राफ बन रहा है, एक यू शेप ग्राफ बन रहा है जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, दैट इज एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू फाइव आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज और बता दूं आपको, जो इस तरह ग्राफ बनते हैं, यू शेप के ग्राफ बनते हैं, चाहे वो आपका यू ऐसा हो, चाहे वो आपका यू ऐसा हो, इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। तो इन सभी ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, है ना, पैराबोला बोलते हैं इन ग्राफ को, ठीक है। तो ये हमने सीखा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद एक क्यूबिक भी ले लेते हैं, चलो एक क्यूबिक लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा, एक्स और वाई, एक्स मान लो ज़ीरो है तो वाई वन होगा, सॉरी एक्स ज़ीरो तो वाई भी ज़ीरो होगा, एक्स वन तो वाई वन होगा, एक्स माइनस वन तो वाई माइनस वन होगा, टू पर एट होगा, और माइनस टू पर माइनस एट होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ज़ीरो पर ज़ीरो है, वन पर वन है, माइनस वन पर माइनस वन है, टू पर एट है, माइनस वन पर माइनस एट है। तो बेटा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, ओनली वन होगा, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लो, पॉलीनोमियल्स हमने सीखा क्या होता है, टाइप सीख लिया, जीरोस एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आप देखोगे आपको छह क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर वन, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर नंबर टू, फॉर सम पॉलीनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। देखो पहली फिगर पर फोकस करो बेटा, पहली फिगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है इस बुक में वो ऐसा बना है। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी कट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज नो, कोई होगा ही नहीं, है ना, कहीं पर भी एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा, इसका मतलब देर इज नो जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में ये देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, राइट। अब ग्राफ ऐसा बना हुआ कुछ, देखो बुक के अंदर ऐसे दिख रहा होगा। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, दैट इज हेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सिर्फ एक होगा, ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ जीरोज इज वन, है ना, नंबर ऑफ जीरोज वन हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव y एक्सिस। ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, देखो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे चला गया, इस तरह का बुक में बना हुआ है। अब इसमें आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सिर्फ टू होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे टू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्राफ ऐसे भी है यहाँ पर फोर्थ पार्ट के अंदर, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा देखो बेटा, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, सिर्फ टू होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू टू।
पांचवा पार्ट करते हैं। इसका बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी ख़त्म आपकी। तो पांचवा जो ग्राफ है बेटा ऐसा कुछ है, ध्यान दो, आपको शायद विजिबल होगा इसके बोर्ड के ऊपर, तो ध्यान से देखिए। पांचवा जो ग्राफ है बेटा ऐसा है, देखो पहले ये ऐसे गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 जगह पर कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसके एक सेकेंड लिख दूँ मैं, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, 2, 3, नंबर ऑफ ज़ीरो 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और करते हैं, 3 हैं 4 है, चेक कर लो, 1, 2, 3, 4 है बेटा, 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हैं। इसका आज का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, उसके अंदर देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर ग्राफ जो आपका ऐसा बना हुआ देखो, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे टच कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर टच करा और फिर ऐसे निकल गया। सिर्फ टच कर रहा है मेरी बुक के अंदर, सिर्फ टच कर रहा है। आप अपनी बुक्स के अंदर चेक कर लो, ये टच कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। 2.1 है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का, मैं 6 पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट की बात कर रहा हूँ, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरे पास सिर्फ टच कर रहा है, तो मैं टच कर वाला किस लूँगा। तो मेरा एक जगह टच यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे बेटा। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। तो बेटा आई थिंक आपको सारा कॉन्सेप्ट ठीक से आया होगा, आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा और किस तरह से हम जीरो निकालते हैं वो भी समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ नाइस डे।